ओके, सो टुडेज टॉपिक इज अ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हमारे पास टोटल दो प्रोडक्ट पढ़नी है, एक स्केलर प्रोडक्ट होती है, दूसरी वेक्टर प्रोडक्ट होती है। स्केलर प्रोडक्ट को हमने डिटेल में पढ़ा बेटा। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी, और उसके बाद हमने उसकी फार्मूला देखे कि किस तरह से अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करनी है तो फार्मूला लगेगा cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन a b, और उस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, तकरीबन मैंने 9 या 10 प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिटेल में बताई कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं डॉट प्रोडक्ट में। उसके बाद मैंने डॉट प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ किस तरह से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी और द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और दोनों ही मैंने आपको फार्मूला भी डिराइव करवाए। लास्ट कल वाली टॉपिक हमारी कौन सी थी, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, और मैंने आपको इसको इस तरह से डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके अपनी जो है ये कोशिश होगी कि आप उन पे रिवाइज करें। आज हमारे टॉपिक क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा एक वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड with each other, then the result is a vector quantity. जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमें रिजल्ट मिले एक वेक्टर क्वांटिटी, सच अ प्रोडक्ट, इस तरह की प्रोडक्ट को इस कॉल्ड क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। आप नाम ही देख सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने के बाद हमें कोई वेक्टर मिले नतीजे में, रिजल्ट में। अब क्रॉस प्रोडक्ट, हम यहां पर सिंबल रखेंगे क्रॉस। जैसे कि अगर मैं लिखूं ए क्रॉस करूं बी, दो वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहां पर मैंने सिंबल लगाइए क्रॉस, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ए क्रॉस बी मैंने किया, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, तो से सपोज कोई सी वेक्टर है, मतलब नया वेक्टर हमें प्रोडक्ट में मिला। यहाँ पर प्रोडक्ट वेक्टर कौन सा है, सी है। किसको मल्टीप्लाई किया हमने, ए और बी को मल्टीप्लाई किया। अब दो वेक्टर्स हमें एंगल पर भी मिल सकते हैं डायग्राम में, जैसे यहां पर ये वेक्टर है ए और ये है वेक्टर बी। अब हमें ए क्रॉस बी करनी है, मतलब एंगल यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं आप, ए को हमने बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जो तीसरा वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर कहलाएगा, और वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब जैसे यहां पर ये एक प्लेन है, बोर्ड वाली यहां पर प्लेन देख रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह जैसे मैंने मार्कर रखी है ना, इस तरह से मिलेगा इनका प्रोडक्ट वेक्टर सी। मतलब ये जो मार्कर है, इस तरह से मैं अगर इस तरह कोई वेक्टर ड्रा करूं तो वो वेक्टर सी होगा। अब मेरी मजबूरी है कि मैं यहां पर किस तरह से वेक्टर ड्रा करूं, नहीं कर सकता थ्री डायमेंशन में, इसलिए अज्यूम करते हैं वेक्टर सी को हम यहां पर निकालते हैं इन द डॉट। ये मैं जो डॉट दे रहा हूं, ये जो डॉट है ये बेसिकली क्या है, ये सी वेक्टर है, प्रोडक्ट वेक्टर है। अब ये जो सी वेक्टर है ये ए एंड बी पर परपेंडिकुलर है, एंगल 90 बना रहा है, लेकिन यहां पर दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, मैंने बताया कि सी वेक्टर ए से नहीं होता, बल्कि सी वेक्टर इस तरह से होता है। क्लियर। अब ये सी वेक्टर ए से होगा तो देखें यहां पर सी ए के साथ और बी के साथ दोनों के साथ नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पर हम सिर्फ शो करेंगे कि सी वेक्टर हमारा प्रोडक्ट वेक्टर है। ओके, अगर हम ए और बी, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं थ्री डायमेंशन सिस्टम का, कि ए वेक्टर हमारा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है और बी वेक्टर हमारा अलॉन्ग द वाई एक्सिस है,
तो मुझे बताएं जो सी वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर होगा किस डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सिस में होगा। एक वेक्टर ए हमारा एक्स एक्सिस में है, बी वेक्टर हमारा वाई एक्सिस में है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा देट मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर, इस तरह से। अब थ्री हम जो एक्सिस निकालते हैं जेड, वो कैसे निकालते हैं आपको पता है, हम यहाँ पर ये लाइन निकालते हैं जेड एक्सिस वाली। अब यहाँ पर ये हम 3D सिस्टम को इस तरह से शो करते हैं, हालांकि ये जेड एक्सिस होती किस तरह से, ऐसे होती है। क्लियर? तो यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अब ए और बी को जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो सी वेक्टर मिलेगा वो सी वेक्टर उनके दोनों के ऊपर होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखें इनका फार्मूला, इसकी एक और डेफिनेशन है कि अगर हम ए और बी वेक्टर्स को करें मल्टीप्लाई, ए और बी को करें मल्टीप्लाई दो वेक्टर्स को, तो अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट करो, उनके साथ साइन थीटा लगाओ। क्या लगाओ? साइन थीटा। बेटा डेफिनेशन है, जो चीज डिफाइंड होती है उसका कोई खास प्रूफ नहीं होता। डेफिनेशन में शामिल है कि दो वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट होगी और उनके साथ कौन सी एंगल कौन सा रेशो होगा, साइन का, और डार प्रोडक्ट में क्या था, कॉस थीटा। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे, अगर हम ए क्रॉस बी यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो राइट साइड पर भी वेक्टर फॉर्म होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट के बाद यहाँ पर लिखते हैं यू कैप। यू कैप मतलब यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर। जैसे यहाँ पर सी वेक्टर है तो यहाँ पर ये पूरा जो पूरा क्या होगा, सी वेक्टर होगा। जैसे मैंने देखा ए क्रॉस बी लिखा इक्वल सी मिला है ना, तो ये सी वेक्टर ये किसके इक्वल है, सी वेक्टर हमारा इक्वल है ए बी साइन थीटा, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। हमने जैसे नोटेशन पढ़ी है वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विथ इस यूनिट वेक्टर। अच्छा अब यहां पर अगर सिर्फ और सिर्फ सी का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो फिर हमें यूनिट वेक्टर नहीं देना पड़ेगा, यानी हम लिखेंगे सी यानी प्रोडक्ट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा ए बी साइन थीटा। ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने लिखा इसको, मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर ए क्रॉस बी इस टाइम में लिखें तो क्या, दोनों तरफ से यहाँ पर मॉड लगाएंगे, यानी ए क्रॉस बी को हम देंगे मॉड। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड किसका, ए क्रॉस बी का, किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए बी साइन थीटा। तो डेफिनेशन अब हम इसकी लिखते हैं, क्या डेफिनेशन होगी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज लिखें या इज इक्वल टू लिखें, चलो डिफाइंड ही लिख लेते हैं, इज डिफाइंड एज the product of magnitude of vectors, dono vectors a or b ka magnitude multiply along with uske sath kya hona chahiye, sine of angle theta, sine of angle theta between डेम, दोनों के बीच में एंगल सिमिलर होनी चाहिए और वो एंगल हमारी एक्यूट एंगल होनी चाहिए, ऑब्ट्यूज नहीं होनी चाहिए, एक्यूट होनी चाहिए। ऑब्ट्यूज हो सकती है लेकिन उसके इसमें जब एंगल हमारी 90 से बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन लेस देन 360 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज हम ए वेक्टर यहाँ पर देते हैं, ये हमारा बी वेक्टर, तो हम कौन सी एंगल ले सकते हैं, अब यहाँ पर तो अक्यूट एंगल तो नहीं है, ऑब्ट्यूज है, लेकिन हमें एंगल स्मालर लेनी, ये
ए क्रॉस बी करना है तो नतीजे में कोई मिलेगा रिजल्ट सी वेक्टर। तो हमें इस तरह से एंगल कौन सी लेनी है, ये एंगल थीटा। यहाँ पर एंगल हमारी एक्यूट एंगल लेस देन 90 है, यहाँ पर हमारी एंगल ऑब्ट्यूट, लेकिन स्मॉलर एंगल लेनी है, 180 से कम होनी चाहिए। ओके, नोट करें इन बातों को। अब एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स। कौन से एग्जांपल? नंबर फर्स्ट वन एग्जांपल है इसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम बेटा। इट इज एल से नोट करते हैं, आर क्रॉस पी इसका फार्मूला होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। यहां पर एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है, और यहां पर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और पी क्या है, इट इज अ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है बेटा इसका टॉर्क। टॉर्क को टाओ से नोट करते हैं, टाओ इज आल्सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और एफ क्या है, फोर्स। टाओ इज अ सिंबल फॉर टॉर्क। ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, एंगुलर मोमेंटम। एक एग्जांपल हम इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, लेकिन टॉपिक वहां पर है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा एफ, वो बराबर होता है क्यू चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में होती है वी क्रॉस बी। यहां पर ये जो टर्म्स हैं, यहां पर क्यू क्या है बेटा, क्यू है चार्ज ऑफ द बॉडी, और वी क्या है, वी है वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, और बी क्या है, बी मैंने आपको स्केलर वेक्टर के एग्जांपल में बताया था, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी। ओके, नोट करें इनको, एग्जांपल को भी नोट कर लें। आपको शायद लास्ट वाला फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहां पर इसका तीसरा एग्जांपल ऊपर लिख लेता हूं। नंबर थर्ड वन, थर्ड वन है एग्जांपल इसका फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल
मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है बराबर क्यू इंटर वी क्रॉस बी। ये दोनों वेक्टर्स हैं और ये रिजल्ट है उनका प्रोडक्ट वेक्टर एफ। एफ क्या है? फोर्स। क्यू क्या है? चार्ज। और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। सही है, नोट करें आप। ओके, नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ी थी, नंबर फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है इसकी के वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता है। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, यानी ए क्रॉस बी का रिजल्ट जो है वो बराबर नहीं होता है किसके? बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि हम ये लिख सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है इसका रिजल्ट आता है माइनस बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी का रिजल्ट किसके इक्वल होता है? माइनस बी क्रॉस ए के। अच्छा, उसके बाद नंबर सेकंड वन प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों if two vectors a and b are parallel, चाहे parallel हो या anti parallel, parallel or anti parallel, then their cross product is equal to zero। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट आती है जीरो। क्यों आती है जीरो? बिकॉज ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, और जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो थीटा का वैल्यू पुट करेंगे जीरो तो साइन जीरो आएगी जीरो। इसलिए ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा ए बी इंटर साइन ऑफ एंगल जीरो डिग्री विच इज इक्वल टू जीरो। जीरो डिग्री में बेटा साइन जीरो जीरो होती है, दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी इक्वल जीरो होगी। एंटी पैरेलल में क्या होगा? एंगल 180 आती है। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री पुट करें तो साइन 180 भी क्या होती है? जीरो। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ एंगल 180 डिग्री विच इज इक्वल टू जीरो। तो वेक्टर्स चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो आता है। ओके, नंबर थर्ड वन हम बात करेंगे परपेंडिकुलर की।
प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री है बेटा इक्वल वेक्टर्स की। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस करें, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे ए क्रॉस ए हो तो रिजल्ट आएगा जीरो, बी क्रॉस बी करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? जीरो, वी क्रॉस वी करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यों रिजल्ट जीरो आएगा? क्योंकि इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो एंगल जीरो होती है, इसलिए यहाँ पर ए क्रॉस ए इक्वल टू लिखेंगे ए इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा। ए इंटू ए का तो वैल्यू चलो ए स्क्वायर हो गया, लेकिन साइन ऑफ एंगल जीरो डिग्री लिखेंगे, क्योंकि थीटा कितनी होती है? जीरो डिग्री, और साइन जीरो होती है कितनी? जीरो। दैट्स व्हाई दिस होल रिजल्ट ए क्रॉस ए का क्या आने वाला है? जीरो। किसी भी वेक्टर को उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। नंबर फोर्थ वन प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो एंगल कितनी होती है बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगी तो उनका जवाब क्या आएगा? ए बी। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए इंटू बी, यानी दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां पर लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ए बी इंटू वन, यानी साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री पुट करेंगे और साइन 90 होती है वन, ए बी इंटू वन, यानी आंसर आएगा ए बी। ए क्रॉस बी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर क्या आएगा? ए बी आएगा। नोट करें ये चारों प्रॉपर्टीज। अच्छा, साइड में शायद आपको नजर में नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड पे लिख लेता हूं। एंड बी आर
ठीक है, नोट करें आप इसको जल्दी से। और उजमा शेख क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटर लॉ, इसको प्रूव करें। कैसे प्रूव करें बेटा? ए क्रॉस बी का रिजल्ट बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा, यानी पॉजिटिव ए क्रॉस बी का रिजल्ट लेट सपोज पॉजिटिव आ रहा है तो बी क्रॉस ए का रिजल्ट आता है नेगेटिव, तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बराबर होंगे? नहीं हो सकते। बाकी अगर हम प्रूव करना चाहें तो कोई एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हैं, जो कि लास्ट में हम पढ़ेंगे हाउ टू डील विथ क्रॉस प्रोडक्ट। अक्सा बतूल का क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट इज हाफ ए 30 डिग्री। ओके, यू कैन से के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो 30 डिग्री पर हाफ आएगा, क्योंकि साइन 30 हाफ होती है यानी 1/2। नोट कर लिया सबने? इकरा शेख थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इक्वल टू जीरो, यानी किसी भी वेक्टर को उसी के साथ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स के लिए एंगल जीरो डिग्री होती है। इसलिए ए क्रॉस ए का वैल्यू भी जीरो आएगा, बी क्रॉस बी करेंगे जीरो आएगा, अगर हम सी क्रॉस सी करते फिर भी जीरो आएगा, वी क्रॉस वी करेंगे जीरो आएगा। क्यों आएगा? उसका मैंने राइट साइड पर प्रूफ लिखा है कि ए क्रॉस ए मतलब ए इंटू ए साइन थीटा, ए इंटू ए मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, बाकी साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो होती है जीरो, दैट्स व्हाई ए क्रॉस ए विल बिकम जीरो। और उसके बाद मारी का क्वेश्चन है साइन हमेशा वेक्टर और कॉस स्केलर के लिए यूज करते हैं। हाँ, हम स्केलर प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा यूज करते हैं। एग्जैक्टली उसके बाद हम आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर फाइव। प्रॉपर्टी नंबर फाइव है कि अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हों आई जे के तो क्या करें, तो लिखेंगे इन केस ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स, अगर यूनिट वेक्टर्स सेम है जैसे आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, या हम जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहें, या के का के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहें, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ये वही बात हो गई प्रॉपर्टी नंबर थ्री में, ए क्रॉस ए तो जीरो आ रहा है, तो आई क्रॉस ए मतलब सेम वेक्टर सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रूव भी कर सकते हैं आई क्रॉस आई का मतलब होगा आई का मैग्नीट्यूड, उसके बाद आई का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल जीरो डिग्री, तो साइन जीरो होती है जीरो, दैट्स व्हाई होल रिजल्ट विल बी जीरो। लेकिन अगर नंबर प्रॉपर्टी सिक्स में इन केस ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, अगर यूनिट वेक्टर्स से डिफरेंट हो, जैसे आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, या के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से
रिजल्ट मिलेगा कोई नया यूनिट वेक्टर। जैसे आई का जे के साथ क्रॉस करेंगे तो मिलेगा के, जे क्रॉस के करेंगे तो मिलेगा आई, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा। और यहां पर आप ये साइकिल याद कर सकते हैं, ये साइकिल थ्री डायमेंशनल सिस्टम में ये है यूनिट वेक्टर। से सपोज आई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यूनिट वेक्टर होता है जे और के अलॉन्ग द होता है जेड एक्सिस के। आ गई बात समझ में? यानी अगर हम आई क्रॉस करेंगे जे के साथ, आई का क्रॉस करेंगे जे के साथ तो के मिलेगा। अब यहां पर रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम जे क्रॉस करेंगे के साथ तो पॉजिटिव मिलेगा आई, और हम के का क्रॉस करेंगे किसके साथ, आई के साथ, तो क्या मिलेगी, जे मिलेगी। लेकिन अगर हम उल्टा करें, उल्टा यानी रिवर्स, जे को क्रॉस करें आई के साथ, जे क्रॉस आई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा माइनस के। यानी अगर हम इस तरह से जाएं, जे और आई का, जे को आई के साथ अगर हम क्रॉस करेंगे, जे और आई, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, के। अब यहां पर हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज आएंगे तो नेगेटिव। यहां पर मैं बना देता हूं ये साइकिल दोबारा से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और यहां पर यूनिट वेक्टर है आई, यहां पर है यूनिट वेक्टर जे, यहां पर है के। तो मैंने क्या किया है, जे को आई के साथ क्रॉस, जे क्रॉस किया है आई, तो यहां पर देखें क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर के आएगा लेकिन नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर लिख सकते हैं, के का क्रॉस करें जे के साथ तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, माइनस आई आएगा। यानी किसका यूनिट वेक्टर, जे क्रॉस के किया है, जे को के साथ क्रॉस नहीं, यानी के को जे के साथ, के क्रॉस जे करेंगे इस तरह से, के क्रॉस जे करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा आए, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम के क्रॉस आए करें, यहां पर हमने के क्रॉस आए किया है तो यहां पर करेंगे आई क्रॉस के तो क्या मिलेगा, माइनस जे मिलेगा। ठीक है, यहां पर हम करेंगे क्या, आई क्रॉस के, आई का के साथ क्रॉस तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा। मतलब दिस इज द रोटेशन, यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का रिजल्ट आपको अलग अलग मिलेगा रोटेशन में। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, ये वेक्टर है ए और ये है वेक्टर बी। अब मुझे बताएं एंगल कौन सी है, एंगल किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? तो ये एंगल थीटा इन बीच, इनके बीच में है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हम यहां पर करना चाहते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी अगर हम करेंगे, ए क्रॉस बी तो नतीजा क्या मिलेगा, सी। तो सी यूनिट वेक्टर, सी जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहां पर हम बनाएंगे इसके सी का डायरेक्शन, यानी इस तरफ, ये वेक्टर है सी। लेकिन अगर यही बात इस तरह से हो, ये वेक्टर है ए और ये है वेक्टर बी, लेकिन एंगल क्या हो, क्लॉकवाइज। यहां पर एंगल देखें क्लॉकवाइज है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, जो सी वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। यानी इस तरह से हम निकालेंगे सी वेक्टर। अब ये जो सी वेक्टर है किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव, इसलिए यहां पर क्या देंगे, नेगेटिव साइन दे रहे हैं, यहां पर हम लिखेंगे नेगेटिव सी। अब ये पॉजिटिव यहां पर सी, यहां पर नेगेटिव सी क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द राइट हैंड रूल। यहां पर हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अप्लाई कैसे करेंगे, यानी अपने फिंगर्स को पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे, ए के डायरेक्शन में, इसको रोटेट करवाएं बी की तरफ। जैसे हम बी की तरफ करवाएंगे, हमारी फिंगर्स बी तरफ जा रही हैं और हमारा थंब क्या है, आउटवर्ड। तो यहां पर हम सी का डायरेक्शन क्या बताएंगे, यहां पर हम बताएंगे सी इज अलॉन्ग आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड कहेंगे, यहां इसको कहते हैं आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। यानी आपका जो पेपर है जिसपे आप लिख रहे हैं, उस प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा है सी का। यहां पर क्या लिखेंगे, इनवर्ड। बी के से ए की तरफ आ रहे हैं तो बी के डायरेक्शन में अपने उंगलियों को रखें,
बी के डायरेक्शन में और इसको रोटेट करवाएं ए की तरफ, ए डाउन है ना, तो हम जैसे डाउनवर्ड आएंगे क्लॉकवाइज तो थंब जो है वो कहां शो कराए, इनवर्ड। यहां पर हम लिखेंगे सी का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, यहां हम इसको कहेंगे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर किसका डायरेक्शन है, सी का डायरेक्शन, जो प्रोडक्ट वेक्टर है सी उसका डायरेक्शन, यानी बी क्रॉस ए यहां पर हमने किया है, बी क्रॉस ए किया है तो नतीजा क्या मिला है, सी मिला है। तो पहले मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी थी कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता, यहां पर भी देखें अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो नतीजा मिल रहा है पॉजिटिव सी, यहां पर हम बी क्रॉस ए करें तो नेगेटिव सी मिल रहा है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं होती है। ये दोनों प्रॉपर्टी अच्छी तरह से ज़हन में रख लें, प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लास्ट वाली, कि हम किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन होंगे। तो अगर हम यहां पर लिखें प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर गिवन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, यानी ए गिवन हो ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के, एंड बी वेक्टर गिवन है बी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर के। तो अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर बनाएंगे मॉड, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट यानी दो वर्टिकल लाइंस देंगे और फर्स्ट वन रो में रखेंगे ये यूनिट वेक्टर हैं आई जे के, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, पहले पहली रो में हमें आई जे के लिखना है और सेकंड रो में हमें पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स, ए के कंपोनेंट से एक्स वाई कंपोनेंट ए वाई जेड कंपोनेंट ए जेड, और थर्ड रो में हमें दूसरे b वेक्टर के कंपोनेंट यानी bx, एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, a क्रॉस b अगर हमें मालूम करना है, a क्रॉस b इक्वल टू क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चूज करें, फर्स्ट रो पहली पहली रो और फर्स्ट कॉलम, समझो कि है ही नहीं यहाँ पर, अज्यूम करें ये नहीं है, बाकी बचा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, तो यानी यहां पर लिखें इस छोटे से डिटर्मिनेंट बनाएं, यहां पर लिखें ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, यूनिट वेक्टर कौन सा लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना आए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यूनिट वेक्टर आए और छोटा सा माइनर एक मॉड बनाएं, डिटर्मिनेंट बनाएं, और उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अब जे वाला टर्म नेगेटिव में लिखना है, ये डिटरमिनेंट बना यूनिट वेक्टर लिखा जे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचा यहां पर एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, उसके बाद जो के है यूनिट वेक्टर फिर वो पॉजिटिव यूनिट वेक्टर रखना है के इस डिटरमिनेंट में, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सपोज है ही नहीं, बाकी क्या बचा एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब इसको सॉल्व करना है, फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली ए क्रॉस बी इक्वल टू ब्रैकेट देनी है यहां पर, और ये जो फर्स्ट वन है इसको मेन डायगोनल कहते हैं, मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई को बी जेड के साथ, ए वाई इंटू बी जेड, फिर माइनस करना है इन दोनों की प्रोडक्ट यानी ए जेड इंटू बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, उसके बाद यूनिट वेक्टर सेम लिखना है आई, फिर ये जो है
सेकंड वाला जे वाला कंपोनेंट यूनिट वेक्टर जे। अब यहां पर मल्टीप्लाई करने हैं एक्स को बी जेड के साथ, एक्स इंटू बी जेड माइनस करना है इन दोनों की प्रोडक्ट यानी ए जेड इंटू बी एक्स। उसके बाद जो यूनिट वेक्टर के है वो प्लस में, यूनिट वेक्टर दिया के, अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, ये मेन डायगोनल एलिमेंट है, यानी एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का ये रिजल्ट आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम हम करेंगे तो फिर ज्यादा समझ में आ जाएगा, नोट करें इसको। ओके, नोट करें। ओके बेटा, तो आज क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। कोई आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डिफिकल्टी? बेटा डायरेक्शन रिपीट होगा, बी क्रॉस ए का वैल्यू माइनस सी आएगा इनवर्ड, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं। रिदा बतूल, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में नेगेटिव, क्योंकि जे वाला कंपोनेंट नेगेटिव में लिखना है, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का ये तरीका है बेटा। सेवन नंबर प्रॉपर्टी आएगी अभी प्रॉब्लम्स में। इसका जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैं इसका प्रॉब्लम करने जा रहा हूं, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लास्ट वन प्रॉपर्टी सबको थोड़ी मुश्किल लग रही है, बिल्कुल लगेगी, प्रैक्टिस करने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट।
ओके मैं एग्जांपल करने जा रहा हूं बेटा, लेट सपोज हमें कह रहा है कि फाइंड ए क्रॉस बी फाइंड करें, जबकि ए का वैल्यू है 3i + 2j - 4k एंड बी का जो वैल्यू है वो है 6i + 8j - k। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी रखेंगे, इक्वल टू डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले फर्स्ट रो में क्या रखना है, फर्स्ट रो में रखना है आई जे के। उसके बाद सेकंड रो में पहले वेक्टर, यहां पर देखना है ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले ए के कंपोनेंट, यहां पर रखेंगे 3, उसके बाद 2, यहां पर है -4 नहीं बल्कि माइनस सिंबल के साथ। बी वेक्टर कौन सा है, 6 आए तो यहां पर 6, उसके बाद 8, उसके बाद -1, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 रखने। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ए क्रॉस बी इक्वल टू, सॉल्व करने के लिए आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं, छोटे जो मायने माइनर डिटरमिनेंट बनाए हैं इसको छोड़ सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो चलो लिख लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे माइनर डिटरमिनेंट, छोटा डिटरमिनेंट बनाएंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे आई, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी आई यूनिट वेक्टर सेलेक्ट किया। उसके बाद बचा क्या, समझो कि यहाँ फर्स्ट रो भी नहीं है फर्स्ट कॉलम भी नहीं है, क्या नजर आ रहा है, 2 - 4 8 - 1 2 - 4 8 - 1 ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद माइनस, यानी जे वाला कंपोनेंट नेगेटिव में रखना है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड है ये, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम समझो है ही नहीं, बाकी क्या बचा, 3 - 4 6 - 1। उसके बाद फिर के वाला कंपोनेंट लास्ट वाला पॉजिटिव, क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बाकी क्या बचा, 3 2 6 8। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, ब्रैकेट में लिखना है यूनिट वेक्टर आई, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, इनको कहते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 2 - -1 - 2 आएगा। उसके बाद माइनस देनी है, ये फार्मूला किए, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 for the 32 माइनस का आएगा तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं -32, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, फिर आप इनको इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद यानी इसको करेंगे यूनिट वेक्टर जे, और यहां पर देखें मल्टीप्लाई करेंगे 3 - -1 - 3, ये माइनस फार्मूला की, ये 6 for the 24, माइनस का आएगा 24। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट वाला यूनिट वेक्टर के, तो फर्स्ट रो बल्कि यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 the 24, माइनस फार्मूला की 2 6 the 12। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये -2, माइनस माइनस क्या आएगी, +32, यूनिट वेक्टर आए, माइनस ये सेम रखिए, अब -3, माइनस माइनस ये +24, यूनिट वेक्टर जे। उसके बाद प्लस, यहां पर 24 - 12, तो यहां पर बचेगा 12, यूनिट वेक्टर के रखें। इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करें तो ये -2 + 32, तो आएगा +30, यूनिट वेक्टर आए, और यहां पर देखें 24 - 3 है तो 21 बचेगा प्लस का, ये यहां पर माइनस है तो ओवरऑल -21, यूनिट वेक्टर जे, +12, यूनिट वेक्टर के, लास्ट वाला सेम रखा, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस। आ गई बात समझ में, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ये मुझे करके दिखाएं, क्लास वर्क है या होमवर्क है जो भी समझे, क्लास वर्क ट्राई करें। ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस 2k और बी वेक्टर है हमारे पास -3i + 4j + 3k। चलें इसका फाइंड करें, क्या फाइंड ए क्रॉस बी, ये बिल्कुल इजी आपको दिया है, आई प्लस जे प्लस 2k और -3i + 4j + 3k फाइंड करें।
ए क्रॉस बी। जल्दी से मुझे आंसर बताएं, और आंसर बताएं, आयशा ने शायद कर दिया है, आंसर बताएं, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अब क्लास इज अबाउट ओवर नाउ।